काफी टाइम के बाद हमारे ये इस टाइप के टूटोरियल इस टाइप के भाई कि कैसे हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं क्योंकि पिछले ट्यूटोरियल तो हम रेडिंग भी दे रहे थे सिंपल के लॉगेडिंग वाले वो वाले तो काफी टाइम के बाद इस टाइप के लेवल के टूटोरियल आ रहे हैं भाई इसको एड करने के लिए आपके बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन ऑफर मिल जाएंगे और फिर डिस्क्रिप्शन ऑफर मिल जाएंगे और आप स्टेप बाई स्टेप सारा इसको देख में तभी आप इस टाइप के लेवल गेयरिंग कर पाएंगे कुछ इस टाइप करके हमारे पीछे गनमैन और हमारे गार्ड्स हैं और हम क्या पैक पकड़ के चम रहे हैं कुछ इस टाइप का तो विदाउट एनमोट स्टार्ट कुछ कैसा पोज दे सकते हैं अपने हिसाब से पोज दे सकते हो ऐसी पिक्चर आपने क्लिक करा लेनी है और इस बैकग्राउंड का लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा यह एक पी एन जी पी ने लगाई हुई है ऑटोमेटिक खुद ही तो आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ऐसे बैकग्राउंड मिल जाएगा एड फोटो में जाएंगे अपना उस बैकग्राउंड का सिलेक्ट जिसका कटआउट पहले किया हुआ मॉडल को वो ले लेंगे अगर आपको नहीं आता तो, तो सिंपली आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कटआउट कैसे करते हैं आप वहाँ से सीख सकते हो यहाँ पर हम अपने मॉडल को सिलेक्ट करेंगे और अच्छे से परफेक्ट यहाँ पर बिठा देंगे कि भाई यहाँ पर बड़ा छोटा ना लगे परफेक्ट लगे सही हो गया सो यहाँ पर हम इसको सेट करते हैं एंड भाई एडजस्टमेंट में जाते हैं थोड़ी बहुत ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो बैकग्राउंड के साथ थोड़ा बहुत मैच यहाँ पे करा लेंगे तो बाकी लाइट में हमें ज़्यादा कराने की ज़रूरत नहीं लगेगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी बहुत तो यहाँ पे कलर ग्रेडिंग और ये भी कलर ग्रेडिंग होती है हैरिटेजिंग बोलते हैं इसको भी थोड़ा बहुत ठीक है कलर करेक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत तो यहाँ पे अगर आपका वहीं पे आ चुका है तो गुड हो गया कोई ज़रूरत नहीं आपको ये वर्क करने की सो यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड के साथ थोड़ा बहुत फेस फेस जो हमारा मैच हो चुका है तो हम एक ये वाली आपको पीएनजी मिल जाएगी शेडोज़ के लिए इसको पकड़ के मूव डाउन कर देंगे इन्वर्ट कर देंगे एंड आपको यहाँ पे शेडोज़ दे देंगे आपको पता है काफ़ी टाइम बताया भी है कि शेडोज़ देते कैसे हैं और कैसे होती है तो आपको हार्ड ट्रेट्रो मैं ये ऐसे बताते ही रहता हूँ ठीक है तो काफ़ी टाइम के बाद ये वाले ट्रेटरोल्स आ रहे हैं एडिटिंग वाले वरना तो थ्री टचिंग और दूसरे ट्रेटरोल्स आ रहे थे बार बार आपको वो दे रहा था सो यहाँ पर हम अपनी शेडोज दे रहे हैं कंप्लीट हो जाए जैसे ही हमारी शेडोज यहाँ पर शेड का वर्क यहाँ पे हो चुका है अभी उसको ऑप्सिटी थोड़ी सी कम कर देंगे ताकि थोड़ी बहुत रियल लगें और ज़्यादा वर्क यहाँ पे हो चुका है इसका सारा का सारा वर्क हो चुका है बाकी हम थोड़े बालों को स्ट्रेंथ करेंगे थोड़ा थो बालों को बढ़ा देंगे और हम पे इसको डन किया टूल्स पर गए स्ट्रेट पे गए और थोड़ी बहुत वार्प ले ना। क्या वार्प कर क्या हो गया वार्प सेलेक्ट करके साइज़ अपने हिसाब से रख के अपने बालों के ऊपर फेर देना है ठीक है तो हमारा जो है बालों का यानी कि जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी वर्क टू से ही करके आगे जाता है ये वाला काम सो यहाँ पे हमारा ये वाला वर्क भी हो चुका है बाकी थोड़ा बहुत इसको सेट कर लूँ हो गया डन करते हैं यहाँ पर और थोड़ा बहुत कुछ नहीं और तो कुछ नहीं भाई ये हो गया इफ़ेक्ट्स पे चलते हैं और इफ़ेक्ट्स पर यानी कि ब्लर ले, ले लेंगे थोड़ा सा फेस स्मूथ कर लेंगे ठीक है तो लिंक टू से थ्री परसेंट मैक्सीम और यहाँ पे चलते हैं इन्वर्ट कर देते हैं फेस स्मूथ नहीं किया हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले भी आपको कि और जगह पे भी यानी कि पिछली वीडियोज़ में काफ़ी बार आपको बताया हुआ है कि भाई फेस स्मूथ कैसे करते हैं तो अगर वो भी नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन उसमें मिल जाएगा आप वहाँ से इजिली अच्छे तरीके से फेस स्मूथ कर सकते हैं मैं आपको रफ जल्दी जल्दी करके बता रहा हूँ वहाँ पे आपको ईजी स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा गाइड किया हुआ है तो यहाँ पे हम फेस स्मूथ कर रहे हैं अपना अपना सो so, ये हमारा फेस मूव यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है तो अभी यहाँ पे हम इसको सर दिखा देते हैं कि ब्लर कितना हुआ है तो जूम करते हैं और चो जो एरियाज हमारे ब्लर हुए हैं तो ये क्योंकि हमारे पिंपल थोड़े बहुत वहीं पे थे निशान तो वहाँ पे हमने किया है यहाँ पे डन करते हैं और लाइट रूम में चलते हैं कलर गेडिंग वहाँ पर करते हैं अच्छा यार फिर से हम चलेंगे कहाँ पर सीधा हमारे हेड फोटो में लाइट रूम में जब आ चुके हैं तो लाइट फोटो में जाना पड़ेगा सो अभी हम यहाँ पर अपनी पिक्चर को जो है सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी पिक्चर चली कहाँ गई भाई साहब भाई साहब यार ये पिक्चर 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 मेरे को लगता है बस यही पिक्चर थी हाँ आई थिंक यही है एक बार फिर से देख लेते हैं शायद यही है तो यहाँ पे हम उसको सेलेक्ट करते हैं बैक करते हैं और आ जाते हैं अपनी पिक्चर लेके तो ये हमारी पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है इसकी हम थोड़ी बहुत कलर ग्रेडिंग करेंगे लाइट में ही तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं भाई थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि मुझे थोड़ा तो बहुत पता चलता रहे कि वर्क कैसे कैसे हो रहा है ठीक है तो कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा पहले ब्लस कर देते हैं हाई को डाउन कर देंगे हाई लाइट ज़्यादा लग रही थी तो ये शेडो उसको बढ़ा देंगे और वाइट को क्या करेंगे डाउन कर देंगे एंड ब्लैक को भी डाउन कर देंगे और, और नेक्स्ट चलते हैं एंड टेम्परेचर को थोड़ा सा प्लस में रखते हैं हल्का सा ही एंड टेन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं थोड़ा सा वन टू थ्री फाइव थ्री ओके हो गया नेक्स्ट चलते हैं आपको पता तो है ये हमारे लिप्स के लिए होता है थोड़ा बहुत हमारे फेस पे आ रहा है लेकिन लिप्स के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है रेड वाला तो इसकी सेचुरशन डाउन सैचुरशन प्लस एंड ही यू को डाउन ये आपको पता है और जो हमारे ये सारा का सारा फेस के लिए होता है तो ये सारे फेस में ही आ रहा है एंड इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा प्लस में लेके जाएंगे ताकि हमारा फेस थोड़ा सा ब्राइट हो जाए नेक्स्ट चलते हैं इसकी डाउन कर देते हैं सैचरेशन इसको भी डाउन कर देते हैं इसकी सैचुरेशन डाउन कर देते हैं ही को भी थोड़ा बहुत डाउन कर देते हैं इसके यू को भी थोड़ा बहुत डाउन कर देते हैं नेक्स्ट चलते हैं इनको डाउन कर देते हैं हम सारे को ही इसकी थोड़ा इसको प्लस में रखते हैं एंड इसको भी सैचुएशन को भी थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा सैचुएस की डाउन ना हो बाकी दोनों को छोड़ दो इनका काम नहीं है नेक्स्ट चलते हैं टेक्सचर को बढ़ा देते हैं यहाँ पर ठीक है तो टेक्चर क्लैरिटी को हम थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। नहीं क्लैरिटी को भी एक दो परसेंट ही देते हैं विगनेट को आप थोड़ा बहुत डाउन कर सकते हो यहाँ पे लेवल को लुक आ चुका है बिफोर एंड आफ्टर थोड़ा बहुत और हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं यहाँ पे चलते हैं एंड ये ग्रेडिंग ले लेते ले हैं कोई अच्छी सी एक टोन दे देते हैं यहाँ पर सो so, मुझे ये वाली ज़्यादा ही बेहतर लग रही है ठीक है ये टोन आ चुकी है पिक्चर में काफ़ी लेवल के लुक आ चुका है बाकी हाईलाइट पर थोड़ा बहुत इसका हाईलाइट भी छेड़ सकते हो अगर अच्छा हो तो हम इस साइड पर थोड़ा सा रख के ना ये बिफोर आफ्टर को भी दिखाता हूँ लेकिन बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी लेवल के सिनेमेटिक टो, टोन आ चुकी है हमारी पिक्चर में सो so, भाई बनाओ यारा लिंक सब के सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब्सक्राइब करके जाओ अल्लाह हाफिज